वुमेन। मेरी मम्मी ने मेरे पे भारी इल्जाम लगाया है कि मैं छत में सिगरेट पीती हूँ। हम आए तो बड़ी खुशी से थे यहाँ खाने के लिए, लेकिन भीड़ देख के आई जस्ट टुक अ स्टेप। इतनी शौकत बेल लगाने की तो अपने घर में रखे। हम तो ऐसे टाइम नहीं है यहाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी बैक विद द वीडियो। और हाल बहुत खराब हो रखे हैं शकल अकल दोनों के। व्लॉग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह 9 बजे सोचा था आराम से सो के उठेंगे, बट हमारे घर के बगल में गाय है उनकी, तो पता नहीं कुछ 6 बजे से रोने पर लगी है, कुछ दिक्कत है शायद। तो नींद तो पूरी हुई नहीं, बट मॉम इज क्लीनिंग ऑल द मेस। ये तो पक्का जाएगा। चलो फिर रेडी वेडी होके मिलते हैं। सी तो फ्रेंड्स, आई एम एट वर्क एज यू कैन सी। मुझे उस टाइम पता चला कि जो हमारे पड़ोस में जो गाय है वो सिर रोती क्योंकि उसका बेबी मर गया, विच इज सो सैड। तो अभी तो मैं काम कर रही हूँ, तो आई विल सी यू इन अ बिट। राइट नाउ थोड़ा सा क्लीन भी करना है क्योंकि थोड़ी सी मेसी सी हो रही थी टेबल, जस्ट उसके चक्कर में क्लीन सम मेस अप एंड वर्क फॉर अ बिट, देन आई विल सी यू अगेन। फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने मेरे पे भारी इल्जाम लगाया है कि मैं छत में सिगरेट पीती हूँ। लोगों के पटाखे फूट गए आ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बोल रहे मुझे कि मैं सिगरेट पीती हूँ और लाल वाला पांगे यार, ये इन सब के लिए। मम्मी व्हाट डू यू वांट टू से? मेरी मम्मी मेरे पीछे सुबह से लगी है कि तो छत में जाके सिगरेट पीती है। अरे व्हाई डू यू केयर, बताओ ना। आप यू हैव टू, आपको मुझे सॉरी बोलना चाहिए। क्यों बोलो? पहले बोलो क्यों बोलो। आपने मुझे पे झूठा इल्जाम लगाया। कब बोला मैंने? आपने बोला कि तू मम्मी पलटी वाली मम्मी, हमें सॉरी बोलो। बोलो मैं क्या बोल, पटाखे फूट गया, रूल है सिगरेट पी रही छत में। देखो कौन आए बॉम्बे से, ये पूरी पूरी ऐसे फूलनी है बेटा। टेप खराब नहीं है, टेप बिल्कुल सही है। वुमेन। मम्मी, मेरी मम्मी इस ब्लेमिंग पड़ोसी इसकी पटाखे फोड़ के फेंकी। सनसेट विद ब्यूटीफुल सनसेट। मम्मी आज हम क्या करने वाले काम करने? ये सब कबाड़ मैं लाई हूँ नीचे से इकट्ठा करके, ताकि जब आप साफ करो तो आपको मिले। आप जाते ना, हम किसी को कुछ बोलते नहीं तो सब कुछ हम आए फोड़ में चलते। एक भी सौगत पैर लगाने की तो अपने घर में इवनिंग कल से तो शुरू करी थी, एक दो दिन हुआ। इशारा समझ रहे हो भगवान का? चाय गिर गई है भाई। मम्मी तुम्हें चाय गिरी? कौन बोल रहा पंच जोक्स मार तुम यहाँ पे? देखो कल गिर रही। मोहल्ले के पुराने मेंबर्स हैं जो न्यू मेंबर्स बन के अब हमसे जुड़े रहेंगे इस घर में। तो चलिए हम अपनी, अरे मम्मी यार मुझको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो दिवाली से पहले हमारा कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है मोहल्ले में, जिसके घर में सबसे देर तक लड़ियाँ चली रहेंगी और हमसे कभी कोई नहीं जीत पाता। आज टोटल 1 हफ्ता हो गया होगा, 1 हफ्ते से 1 दिन ज़्यादा हो गया लड़ियाँ लगाए हुए, सबकी निकल गई हैं। और मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं दिवाली पे भी रात में 12 बजे से पहले छत में आके लड़ियां बन नाम के लिए दिखाने के लगाते हैं। 7 बजे जलाई, 9 बजे बन, ठीक है। और सब पंजर कहीं के 2 दिन के लिए, ठीक 2 दिन के लिए जितनी दिवाली लगाई क्यों और बंद कर दिया भाई। तो हम तो जीत गए, हम जीत गए, हमें किसी से जीतना नहीं, पर हम एक ही हफ्ते में निकालते हैं इस बार भी। पर जब से हम पीस आउट
गाइस, फोन ही ला रहे हैं चिड़िया के घोंसले। क्यों मम्मी क्या बोलती हो? सिगरेट सिगरेट पटाके मुझे, आपने मुझे सुबह ऐसे ही बोला था कि तू छत पे आके सिगरेट पी रही है। ये नहीं बोला हमने, यही बोला आपने मेरे को बोला कन्नू मैं ना बिस्तर में लेटी हुई थी, बिस्तर में लेटी हुई थी, क्या कन्नू छत में सिगरेट पी रही थी, तो तुम छत पे सिगरेट पीती है, तो मतलब तू छत सिगरेट पीती है, मुझे लगा वो आप होता है मुर्गा छाप, वो देखे आपने पटाखे फट 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 जलते हैं, वो होते हैं, वो हवा में आ जाते हैं। मम्मी यू शुड नो आपकी बेटी सिगरेट नहीं पीती है, सस्ती आलती बिल्कुल 200 रुपए वाले का डब्बा लेती है। डेकोरेशन उतर गया तो बिल्कुल ही मतलब मम्मी कैसा लग रहा है आपको वैसे? हमने मोहल्ले की वो हम जीत चुके हैं, अपने ही दिमाग में हमने एक कंपटीशन बनाया था जिसको हम जीत गए। कल तक उन दो घर की भी वो जल रही थी लेकिन अब नहीं जल रही है। नहीं ना, सबसे लेट में हम ही उतार दें, हम जीत गए। और वो आंटी आई गेस वंडर कर रही है हम क्या कर रहे हैं। बॉम्बे से तो हमारे लोकल रिश्तेदार आ गए वापस। वायलेंस तो मेरी मम्मी कर दी आज। बहुत सुंदर लग रही थी आप, एक डांस स्टेप स्टेप जन्म सुंदर जन्म पूरा सूर्योदय हो गया, सूर्यास्त सॉरी सूर्यास्त गढ़वाल मस्त क्या इस टावर के चक्कर में भी बड़ा कर दो हाय बोलो। देखो ये 300 पैक करवाने के लिए क्या बाय वेदू बाय। अरे वो छोटे तमिलनाडु साउथ इंडियन डोसा इडली बड़ा सांभर। हम आए तो बड़ी खुशी से थे यहाँ खाने के लिए लेकिन भीड़ देख के आई जस्ट टुक अ स्टेप बैक और सिर्फ 9 डोसे का ऑर्डर दे के कहीं जाते नहीं, सिर्फ 9 डोसे मंगाए हैं। अब भीड़ इतनी है यार, मिक्स रेस्टोरेंट के अपोजिट मिक्स खाए पीछे देववाणी होटल के नीचे, देववाणी होटल के नीचे। हम तो भैया सोच रहे हैं मेरी वीडियो बना, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हंसी, बट नहीं, मुझे डोसे 3 घर नहीं अलग अलग घर में पहुँचाने हैं, आप समझ सकते हो मेरी दुविधा। सोच रही हूँ एक फूड डिलीवरी ऐप खोल दूँ गाइस, मिसमैच देख के ऐप एक ऐप बना दूँ कोटद्वार फूड्स। तो बहुत ही बुरा ब्लेम करने के बाद आज हम वीडियो यही ख़त्म करें। मम्मी ने अभी तक मुझे सॉरी नहीं बोला है, झूठा इल्ज़ाम लगाया सुबह से। चलो मुझे टाटा कर दो, हर जगह तो फिर अब इस वीडियो को क्या करना है? इस वीडियो को करना लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब कमेंट और next video vlog yes bye bye bye